मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। अजान न्यूज चैनल के चेयरमैन की जानिब से गोलकुंडा खिला से एक कैंडल मार्च राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं सैफ अली खान, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट। आज 5 सितंबर बरोज़ इतवार गोलकुंडा खिला गेट के पास हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक पुलिस डिपार्टमेंट की खातून जिसका कत्ल किया गया, जिसका बलात्कार किया गया और 50 मर्तबा उसके जिस्म पर चाकुओं से वार किया गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको चाहिए कि बजाय काले कानून बनाने के, बजाय CAA बनाने के, बजाय NRC बनाने के, बजाय त्रिशि कानून बना के किसानों को परेशान करने के, महिला सुरक्षा के लिए आप कोई कानून बनाएं, ना ही देश की जनता को आप परेशान करें ऐसे काले कानून बनाकर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जनाब केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में आपके स्टेट में इतना बड़ा हादसा हो गया, कत्ल किया गया, मर्डर रेप किया गया, लेकिन आपकी एक आवाज़ नहीं। आज से करीब 1 महीना पहले भी एक मासूम का बलात्कार हुआ था, आपने उनके घर वालों से मुलाकात की और उनको दिलासा दिया। इस बात की हमें खुशी हुई कि एक मुख्यमंत्री ने जिस लड़की का बलात्कार हुआ उनके घर वालों को पुरसा दिया, लेकिन आज एक मुस्लिम लड़की का रेप होता है, 1 हफ्ता बीत जाता है, इसके बाद भी आपकी एक आवाज़ नहीं। क्यों साहब, आपका ये दो नज़रिया क्यों? मुसलमानों के साथ अगर रेप होगा तो क्या आप आगे बढ़कर नहीं आएंगे? क्या आप उनके घर वालों को दिलासा नहीं देंगे? मुसलमान भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू भी हिंदुस्तानी है। हमको दूसरी नज़र से मत देखो, हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की लेकिन हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। तारीख उठाकर देखिए आप, 800 साल मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत की लेकिन किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी ज़रूर उनकी फैमिली से मुलाकात करें और CBI जांच करवाएं और उस लड़की को इंसाफ दिलाएं। और जिस किसी ने भी ये किया है, ये ज़रूर गैंग रेप है, इनके खातिलों को और इन रेपिस्टों को फांसी की सज़ा होना चाहिए। जय हिंद, मा सलामा, फांसी दो, फांसी दो। सबिया हम शर्मिंदा है, सबिया हम शर्मिंदा है, वी वन फांसी दो, फांसी दो, वी वन, वी वन, वी वन। राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे माता जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे माता जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे माता जिंदा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। फांसी दो, फांसी दो, राबिया के प्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तबिया हम शर्मिंदा है, तेरे माता जिंदा है, तबिया हम शर्मिंदा है, तेरे माता जिंदा है, तबिया हम शर्मिंदा है, तेरे माता जिंदा है। वीवन जस्टिस, वीवन जस्टिस, वीवन जस्टिस। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीवन जस्टिस, वीवन जस्टिस, वीवन जस्टिस, वीवन जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट
सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज।